खातून हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बदकारी सरजद हो गई है और मेरे पेट में बच्चा है और मैं चाहती हूं कि आखिरत की सजा की बजाय दुनिया के ऊपर इसकी सजा मुझे दे दी जाए ताकि मैं पाक हो जाऊं और साफ हो जाऊं, क्योंकि आखिरत की सजाएं बहुत सख्त हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से एक दिन पूछा था, मुझे जहन्नम के अजाबों का जिक्र सुनाओ। तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल्का तरीन अजाब यह है कि जहन्नुमी के पांव में आग के जूते रखे जाएंगे, बाकी उसके पूरे बदन पे आग नहीं होगी, सिर्फ आग के जूते उसको पहनाए जाएंगे, लेकिन उसकी हिद्दत, गर्मी और शिद्दत इतनी होगी, यगली मिनहुमा दिमागहु, उसकी शिद्दत से उसका दिमाग पिघल कर नाक और कानों के जरिए से बाहर आना शुरू हो जाए। यह सबसे हल्के अजाब की कैफियत है और जो अजाब सख्त हैं, अलयाज बिल्ला। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, सुम्मा ला यमूत फीहा वला यहया, उस बड़े अजाब का जिक्र किया जो जहन्नमियों को दिया जाएगा, फरमाया उस अजाब की कैफियत यह होगी, बंदा ना जिएगा ना मरेगा। जिएगा इसलिए नहीं कि आगे और पीछे, दाएं और बाएं आग ही आग होगी, तो उस आग में जीना को जीना तो नहीं होगा, और मरेगा इसलिए नहीं कि मौत को मौत आ चुकी होगी। तो वो कितना सख्त अजाब होगा, अलयाज बिल्ला, के हल्के तरीन अजाब की कैफियत यह है कि पांव में आग का जूता और दिमाग पिघल के नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाए। तो उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर हद जारी कर दीजिए। और उसने कहा कि मेरे पेट में जो है वो बच्चा है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ, जब बच्चा पैदा हो तो फिर आना। वो चली गई, तो जब बच्चा पैदा हुआ तो गोद में उठाए फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल्लाह, ये है बच्चा जो मैंने गुनाह किया था, बदकारी की थी, आज ये उसकी निशानी है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसे ले जाओ और इसे दूध पिलाओ, और जब ये कुछ खाने पीने लग जाएगा तो फिर आना। कुछ दिनों के बाद वो दोबारा हाजिर हुई और उसने उस बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा दिया हुआ था और अर्ज की, या रसूल्लाह, देख लीजिए, अब ये रोटी खाने लग गया है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, इन्हें ले जाओ और जाके इन्हें संसार कर दो। उसकी ये हद बनती थी, उसको संसार किया और उसने खुद ये सजा अपने लिए कबूल की। तो ये बात जहन नशीन कीजिए कि ये वो लोग थे कि जिनसे कभी कोई गुनाह सरजद हो जाता तो वो जल्द तौबा करते और उसकी बड़ी से बड़ी हद और सजा भी होती तो वो भी काटने के लिए तैयार हो जाते। मैं और आप देखें कि हमारी जिंदगी में अगर गुनाह है और हमें सच्ची तौबा की तौफीक भी नसीब नहीं है और आइंदा ना करने का अज़्म मुसम्मम हो, पक्का इरादा हो कि ये गुनाह जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा, अलग बात है कि फिर दोबारा उससे सरजद हो जाए, लेकिन जब वो तौबा कर रहा हो तो उस वक्त उसका पुख्ता आजम हो और उसके दिल के किसी गोशे में ना हो कि चलो मैं तौबा कर लेता हूं और फिर हो गया तो फिर कर लूंगा, पक्का आजम हो कि दोबारा ये गुनाह नहीं करूंगा। और अगर जुबान से तौबा तौबा कर रहा हो और दिल में हो कि ठीक है ये तो सुबह भी मुझसे अमले बद सरजद होना है, तो अल्लाह ताला से ये मजाक करने वाली बात है और अल्लाह ताला से जो मजाक करता है वो कहां खड़ा है वो खुद सोच ले। वो क्या किसी ने कहा था कि तौबा की, फिर तौबा की, फिर तौबा करके तोड़ दी, मेरी इस तौबा पे तौबा 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 कर उठी। तो ऐसी तौबा नहीं है कि जो रस्मन किसी मजलिस में चले गए, किसी इज्तिमा में चले गए तो सब लोगों ने तौबा तौबा की तो वो भी तौबा तौबा करता रहा, लेकिन उसका अज़्म मुसम्मम, पुख्ता इरादा नहीं था गुनाहों को छोड़ने का, तो ये तौबा नहीं, ये मजाक है। इसलिए अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा ये है कि माँ कबल के गुनाहों से नारे मिट्टी के घरौंदे पांव पे बनाता और उन्हें मिसमार कर देता है। वो कभी आपने देखा होगा कि बच्चे रेत में अपना पांव रख करके ऊपर से रेत थपक लेते हैं और फिर पांव होले से निकाल लेते हैं, बच जाए तो बड़े खुश होते हैं और जब खेल खत्म हो जाते हैं तो उसे गिरा देते हैं अपने हाथों से। बहलोल भी इसी शुगल में लगा हुआ है। बहलोल ये काम कर रहा है, घरौंदे बनाता है, गिराता है, घरौंदे बनाता है, गिराता है। बादशाह गुजरा, पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? हंस के कहा, जन्नत के मकान बना रहा हूं।
कहा बेचते हो? हाँ बेचता हूँ। कितने का? 10 रुपए का। सेल लगाई हुई है। बादशाह मुस्करा के गुजर गया। दीवाना है, मजनू है, अपनी मौज में लगा है। पीछे से मलिका जुबैदा भी आ रही थी, उसने भी देखा। कहा बहलोल क्या कर रहे हो? कहा जन्नत के मकान बना रहा हूँ। कहा बेचते हो? हाँ 10 रुपए का बेचता हूँ। 10 रुपए बादशाहों के लिए क्या होते हैं? 10 दिरहम निकाले, उसको दिए, उसने दरिया दजला में फेंक दिए। फकीर उतनी देर तक फकीर नहीं बनता। दाता साहब फरमाते जब तक मट्टी का ढेला और सोने की डली उसकी नजर में बराबर नहीं हो जाता। और एक मकान के गिर्द, एक वो घरौंदे के गिर्द दायरा लगाया। कहा ये तेरा हुआ। मलिका गुजर गई, बादशाह भी चला गया। शाम को अपने महल में पहुंचे, बादशाह सोया, मंजर जागा के हशर का दिन है, फिर जन्नत का मंजर है। जन्नत में बड़े बड़े खूबसूरत मकान है। एक मकान तो बड़ा ही अच्छा लगा, तो जी चाहा कि इस मकान को देखूं। तो जब करीब गया तो दरवाजे पे लिखा था मलिका जुबैदा। शौक से आगे बढ़ा तो दरबान ने रोक दिया। कहा यह मलिका का है? कहा वो मेरी ही मलिका है। कहा दुनिया के जाब्ते और हैं, आखरत के जाब्ते और हैं। बादशाह की आंख खुल गई, बेचैन हो गया। मलिका को बेदार किया, कहा तू कौन सा नेक अमल किया है? मैंने जन्नत में तेरा यूं माल देखा। मलिका कहने लगी वही मामूल की नमाजें, वही सब कुछ, कोई नया काम तो मैंने किया नहीं। हाँ याद आया, कल गुजर रही थी दजला का किनारा था, वो जिसे लोग मजजूब कहते हैं वो जो